नजर डालिए कि महाराष्ट्र का पावर गेम क्या है, किससे फायदा किसे नुकसान हो रहा है। जरा खेमे की तरह करके हमने दिखाया अजीत पवार वर्सेस शरद पवार, तो नजर डालिए। तीसरी बार बने हैं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, लेकिन कब तक के लिए ये आने वाले वक्त में भी तय होगा। शरद पवार टूटी पार्टी वफादार नहीं साथ, कुछ लोग जरूर साथ हैं, इसलिए शक्ति प्रदर्शन की भी ये कवायद है सतारा में जो चल रही है, जो आप देख पा रहे हैं। शरद पवार की छाया से निकले, गुरु पूर्णिमा का दिन है, एक तरफ गुरु का आशीर्वाद लेने पहुंचे शरद पवार, लेकिन एक दिन ठीक पहले अजीत पवार ने खेल कर दिया। सियासी चोट से छवि पर असर, यह सवाल है, क्योंकि आप देशव्यापी आंदोलन और गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन आपके अपने भतीजे यानी कि घर में क्या चल रहा है, शायद भनक नहीं, या फिर हो सकता है स्क्रिप्टेड, बहुत सारे सवाल। बीजेपी महाराष्ट्र में बनी मजबूत पकड़, निश्चित तौर पर एमवीए महाविकास अघाड़ी टूट पर टूट, और पहले शिवसेना और अब एनसीपी के उन्हीं के अपने शिष्य, अपने ही खेमे के लोग निकलकर छिटक कर चले गए। बीजेपी 2024 चुनाव में फायदे के संकेत हैं इससे, क्योंकि हर चीज के इंडिकेशन होते हैं, और खासकर राजनीति में। एमवीए विधानसभा लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी टूटती है तो कमजोर तो होते ही हैं आप। देवेंद्र फडणवीस चाणक्य की छवि बनाई, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और क्रेडिट इनको दिया जा रहा है। अब एकनाथ शिंदे दो दलों को साथ लेकर चलना, ये इनके कंधे पर जिम्मेदारी, एक चुनौती भी होती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सियासी कद इनका काफी बढ़ा, और एकनाथ शिंदे बीजेपी के अकेले साथी नहीं रहे, यह भी गौर करने वाली बात है। पंकज उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, ये जो भी कुछ हम समीकरण बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जरा जनता को आप बताएं कि किसे कब कितना फायदा, क्योंकि फिलहाल तो नुकसान में एनसीपी, शरद पवार, महाविकास अघाड़ी, और सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी और अलायंस को। देखिए, राजनीति में अंकगणित ही सब कुछ होता है, जो कि निश्चित करता है कि आखिर सत्ता किसे मिलेगी और कैसे मिलेगी। हालांकि सतह पर इस वक्त लग रहा है कि एनसीपी बिखर चुकी है, दो फाड़ हो गए हैं, क्योंकि एक तरफ कराड़ में पवार सीनियर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुंबई में यहां पर अजीत पवार अपने तमाम नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ना ही शरद पवार फैक्शन, ना ही अजीत पवार फैक्शन इस वक्त नंबर्स दे रहा है कि आखिर उनके पास कितने हैं। अजीत पवार कहता है कि 40 से ज्यादा एमएलएस का समर्थन उनके पास है, लेकिन क्या वो उस 40 नंबरों को यहां पर पेश कर सकते हैं, ऐसी वो बात नहीं कह रहे हैं। शरद पवार के खिलाफ क्या उन्होंने बगावत कर दी है, क्या शरद पवार की बातों को वो नहीं मानते, इस बात पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शरद पवार फैक्शन कोई भी नंबर देने के लिए तैयार नहीं है। जितेंद्र अवार्ड को चीफ विप बना दिया गया है, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात चल रही है, लेकिन आखिरकार एनसीपी शरद पवार फैक्शन के पास कितने नंबर्स हैं, वो भी आज इस पोजिशन में नहीं है कि वो नंबर्स दे सकें। यानी सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, सिचुएशन बहुत ज्यादा डाइसी है। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जो पार्टी के इनसाइडर्स हैं, उनका कहना है कि देखिए, ये जो फैसला लिया गया, जिसे राजनीतिक पंडित अजीत पवार की पॉलिटिकल कू कह रहे हैं, ये रातों रात लिया फैसला नहीं है, इसकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी, और जिसके सूत्रधार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस थे, वो अमित शाह के ऑर्डर से एनसीपी के साथ बातचीत कर रहे थे, और इसका मतलब सीधा सीधा यह है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरद पवार को इस बारे में जानकारी नहीं थी। एनसीपी के इनसाइडर्स कहते हैं कि तमाम सीनियर लीडर्स को कॉन्फिडेंस में रख के ये फैसला लिया गया है, तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये एक बार फिर से शरद पवार की गुगली है, क्या आने वाले दिनों में वो देखेंगे कि एनसीपी बिखर रही है इसलिए वो भी अपना समर्थन देंगे, या फिर सबसे बड़ी बात, अगर उनकी निगाह 2024 के चुनाव पर अटकी पड़ी है, क्या वो देख रहे है कि ऑपोजिशन यूनिटी जैसा कुछ धड़ा कुछ खड़ा हो रहा है, अगर नहीं होगा, क्या वो बीजेपी के लिए एक बार फिर ठीक है। पंकज, आप नजर बनाकर रखें निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में, सियासत में, या कहीं भी कोई भी कदम यूं ही नहीं उठाया जाता, हार उसके पीछे नहीं होती, सिर्फ जीत मकसद होता है, और यह तो सियासत है, सत्ता कुर्सी सब कुछ इसके ऊपर और नीचे है।